So we are starting with the second lecture. Lecture number two. So we'll continue further. लास्ट लेक्चर में जो अपन ने किया था उसका आगे का पार्ट अभी करने वाले। ओके, बहुत सिंपल है। आई थिंक अपन ने कल 7 MCQs किए थे। ओके राइट, 8 MCQs टोटल। सो वी हैव टू स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 9। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 9। अ पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी। सी इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज अ डायमीटर। इफ पी इज एट बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी आर इन द रेशियो। एकदम इजी वे में इसको कर सकते हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो वी कैन कंसिडर दिस वे कि एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन। ओके, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी इज दी पी इज दी पार्टिकल। ये पार्टिकल पी और सी सेंटर ऑफ द सर्कल है। ए बी इज अ डायामीटर। ओके, डायामीटर क्या दिया हुआ है? ए बी। सो आई ड्रॉ अ लाइन। तो ये डायामीटर ए बी दिया हुआ है। ओके, लेट अस मेक कॉल दिस एज ए एंड दिस एज, सो दिस एज बी। इसको बी नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, और पार्टिकल पी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी आर इन द रेशियो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी, ये पार्टिकल जो घूम रहा है ना उसके ए के अबाउट और सी के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट वेरी क्लियर है कि इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यू कैन चेक, पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वी कांस्टेंट है। तो अगर वी कांस्टेंट है तो हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बच्चा ओमेगा क्या बन जाएगा? वी बाय आर। वी कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड ओमेगा ए अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा और आर में रिलेशन क्या है? इट कैन बी इक्वल टू आर सी अपॉन आर ए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आएगा। ओके, तो सी पॉइंट के अराउंड आर रेडियस पे घूम रहे हो। ओके, एंड ए पॉइंट के अराउंड कुछ ऐसे घूमेगा। सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमेगा, तो सिर्फ किसका फर्क आता है? डायमीटर का फर्क आएगा। ओके, जब सी पॉइंट के अराउंड घूम रहे तो रेडियस क्या है? आर है। और ए पॉइंट के अराउंड घूम रहे तो रेडियस क्या है? टू आर है। तो फॉर सी पॉइंट रेडियस इज आर एंड अबाउट ए रेडियस इज टू आर, आर आर कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1:2। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? सी। इजी। लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच का लेंथ कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द हैंड? टिप का वेलोसिटी पूछा है। सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक फॉर्मूला क्या लर्न किया था कल? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा के बदले अपन बच्चा लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, टिप पे पूछा है, तो जो लेंथ है वही रेडियस बन जाएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रखो क्योंकि आई थिंक सारे ऑप्शंस आपने दिख रहे सेंटीमीटर में ही है। इनटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड इज 60 सेकेंड, दैट्स अ फैक्ट। 2 1 जा 2 30 जा, तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 30 रेडी सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। ओके, तो दोनों सम इजीली सॉल्व किया अपन ने। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट थियरी। अभी अपन जो जो पढ़ रहे थे टाइप वाइज पूरा डिवाइड किया हुआ है। तो अभी अपन ने स्टार्टिंग में सब देखा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेशन क्या है, कल के लेक्चर में पूरा खत्म किया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स
the next part, that is kinematic equation. अभी हमने जो kinematic equation पढ़े हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s. These are the kinematic equation what we studied, that is all linear. Angle में कैसे होता देखो, तो याद रखो u को अपन ओमेगा 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, v से ओमेगा 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, टाइम तो टाइम ही रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे जो टर्म्स है वो लीनियर में, और ये सारे टर्म्स अपने को किस में मिल रहे हैं, एंगुलर में मिल रहे हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा 1, v के बदले ओमेगा 2, एक तो सिर्फ इसको रिप्लेस किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया, यू कैन चेक. ओके, इसको ओमेगा 1 बोलो या फिर ओमेगा नॉट बोलो, जैसे बोलना है बोलो, ओमेगा 2 बोलो, ओमेगा बोलो, इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल्स. ओके, तो उसमें कोई किसी किसी बुक में ओमेगा 1 दिया हुआ है, किसी किसी बुक में इसको ओमेगा नॉट दिया हुआ है. ओके, इसको ओमेगा 2 दे रहे अपन नाम, किसी किसी बुक में ओमेगा नाम दिया हुआ है, तो इट मे कीप ऑन चेंजिंग, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू सिंबल. अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी टाइम. सबसे पहले तो काइनामेटिक इक्वेशन हम यूज कभी करते हैं, व्हेन वी विल यूज काइनामेटिक इक्वेशन? यस, कभी यूज करते काइनामेटिक इक्वेशन? बोलो, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज काइनामेटिक इक्वेशन? जब अल्फा कांस्टेंट होता है, इट इज फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो जब अल्फा कांस्टेंट रहेगा ना, तो यूज कर सकते हैं. अभी कल अपन ने अल्फा का फॉर्मूला देखा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन 2 माइनस 2 पाई एन 1 अपॉन टी. 2 पाई कॉमन निकालो, आंसर आएगा एन 2 माइनस एन 1 अपॉन टी. तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो. अभी बच्चा इसको ही आप रीअरेंज करो, टी को इधर लेके जाओ, ओमेगा 1 को इधर लेके आओ, आपको पहला काइनामेटिक मिल जाएगा. So, ये फर्स्ट काइनामेटिक ही है, नथिंग एल्स. सो वी वर डिस्कसिंग ऑन द काइनामेटिक इक्वेशन. गारंटेड इसके ऊपर का सम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो सारे सम्स काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में. चलो चालू करें. A particle moves along a circular path of radius 20 centimeter. Particle का radius दिया हुआ है 20 centimeter. With a constant angular acceleration. देखो, जब ऐसे आता ना constant angular acceleration, तो acceleration या फिर speed बोल सकते हो यहाँ पे, sorry, acceleration. Constant angular acceleration. तो तभी समझ आने का, सर ये मैं kinematics से solve कर सकता हूँ. एग्जाम में ऐसा टाइप वाइज थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग. तो जैसे ये वर्ड सुना कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ जाने का. तो अल्फा इज 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज गिवन टू यू. इफ द इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 2 रेडियन पर सेकंड, मैं इसको ओमेगा नॉट लिखता हूं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आफ्टर 5 सेकंड के बाद. तो सेकंड काइनामेटिक लगाओ, फॉर्मूला लर्न करो, इट इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओके, अगर तुम लोग इसमें देखोगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला है. कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व हो जाएगा. 2 इंटू टाइम का वैल्यू, ओ टाइम नहीं दिया क्या, 5 सेकंड्स दिया, सॉरी 5 सेकंड्स, प्लस हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इट इज गिवन टू यू 4 into time ka square, t ka square is 25, 2 1 za, 2 2 za, to ye ho gaya 5 2 za 10 aur ye 50, to iska answer aayega 60 radian. Simple way mein solve kiya, ye jo radius diya tha wo useless data hai, kisi kaam ka nahi. Agree kar rahe ho baat? Second sum is going to be very important. It's a very very important sum, second sum jo hai wo. ऐसे सम तुम लोग को आते हैं. वॉट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन विच स्लोज डाउन फ्रॉम 600 आरपीएम टू 10 रेस्ट इन 10 सेकेंड. अभी अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ओके, एंड पार्टिकल स्लोज डाउन फ्रॉम
600 RPM, तो ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 600 RPM से रेस्ट में आ गया, 600 RPM से रेस्ट में आ गया पार्टिकल। ओके, RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, इसको 60 से डिवाइड करो तो आंसर हर्ट्स में आएगा। आंसर किस में आएगा, हर्ट्स में, तो ये 0 हर्ट्स है। तो देखो, I want to find alpha and frequency is changing from 10 to 0. Okay, और ये कितने टाइम में हो रहा है, इट इज इन 10 seconds. तो अभी मैंने फॉर्मूला बना के दिया, अल्फा इज इक्वल टू 2π n2 - n1 upon t. उसको आंसर पाए में ही चाहिए तो टेंशन नहीं है। तो 2π, what is value of n2? 0 minus 10 upon 10. ये माइनस 10 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर माइनस होना जाएगा, तो आंसर माइनस 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सॉल्व इन अ वेरी इजी वे, आराम से। ओके, गो फॉर द थर्ड वन, लेट अस गो फॉर द थर्ड वन। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है and moves with an constant acceleration of 3 radian per second square. Acceleration constant is 3 radian per second square. In a circle of radius 3 meter, circle ka radius diya hua hai 3 meter. Its linear speed after 5 seconds. 5 seconds ke baad uski speed kitne puche? Its linear speed after 5 seconds. Ye question pucha hua hai. तो 5 सेकंड के बाद ओमेगा क्या एक बार पता चल गया ना, अगर 5 सेकंड के बाद ओमेगा क्या पता चल गया, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा टू गेट द आंसर। डू यू एग्री विद मी? यस, अरे हो कि नहीं सर, एक और बार समझाओ ना प्लीज। फ्रीक्वेंसी 0 है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो फ्रीक्वेंसी इज 0, बराबर है। moves with a constant acceleration of 3 radian per second square, मतलब अल्फा दिया हुआ है 3 radian per second square, circle का radius is given 3 meter, एकदम clean data, और हमें velocity find करना है 5 second के बाद, तो velocity हमें omega से मिलेगा ना यार, तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि भाई 5 second के बाद omega कितना है। एक बार अपने को पता चल गया 5 second के बाद omega कितना है, बात solve हो गया, क्योंकि r तो पता है already, तो मुझे सिर्फ 5 second के बाद omega find करना है। अभी समझ में आ रहा है? सर समझा। अभी ये सम जो है वो दैट इज अ सम ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ओमेगा तो हमें फॉर्मूला है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट काइनेमेटिक लगा दो, ओमेगा नॉट कितना है 0, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, और टाइम कितना है 5, तो आंसर आएगा 15 रेडियन पर सेकेंड। एक बार आपको ओमेगा मिल गया, so you can use v is equal to r omega na, so what is the value of r, what is the value of r, r is given 3 and omega is given 15, answer aayega 45 meter per second, just check it out here। baat samajh mein aa raha hai? dekho speed mein karna hai, abhi main pura data likh raha hu, sab likh raha hu, par mcq solve karte waqt guaranteedly you are not going to go in this manner। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गो इन दिस मैनर। आप फटाफट सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में ही सब एंट्री करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस जोनर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस सम। A flywheel rotates about a fixed axis and it slows down from 400 RPM to 200 RPM. So flywheel jo hai wo 400 RPM se 200 RPM aayega. Ab mujhe batao RPM mein answer chalega ki hertz mein lao? Yes? Hertz mein lana hi padega usko. SI unit mein seconds to hamesha SI unit You divide by 60, 0 0 cancel, तो इसका 20 by 3 hertz आया,
सेम वे इसको भी अगर मैं 60 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ बच्चा, तो ये आ जाएगा 10/3 हर्ट्ज, चलेगा? तो N1 और N2 अपने को दिया हुआ है। बोल रहे कि इतने टाइम में इसने कितने रिवोल्यूशन किए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है। बात को समझो, आई वॉन्ट टू फाइंड कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन उसने किए वहां पे। कैसे फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? कोई आइडिया, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने के लिए? यस, 2 pi से डिवाइड कर दे। क्या, किसको डिवाइड करेंगे 2 pi? रेडियंस को, टोटल रेडियंस को। यस यस, थीटा फाइंड कर लेंगे ना यार, और थीटा को 2 pi से डिवाइड कर, तेरे को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। चेक करना बच्चा कभी भी, एक बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अरे 12वीं के लिए पढ़ा था कि नहीं? तो एक रिवोल्यूशन होता है, इफ अ पार्टिकल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, तो एंगल कितना बनता है? 2 pi। तो थीटा की वैल्यू 2 pi, तो 2 pi/2 pi आंसर 1 आएगा। अगर पार्टिकल ने 10 pi बनाया, 10 pi ऐसे 10 pi बना, तो कितने रिवोल्यूशन किए रहेंगे? तो थीटा की वैल्यू 10 pi डालो, तो 10 pi/2 pi आंसर कितना आएगा? 5। तो एक रिवोल्यूशन में 2 pi बनेगा, नेक्स्ट रिवोल्यूशन में 4 pi हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट इसमें 6 pi होएगा, उसके नेक्स्ट इसमें 8 pi होएगा। तो ऐसे जैसे 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 रिवोल्यूशन बढ़ते जाएंगे, अपना एन मिलते जाएगा। तो मेरा फोकस है भाई थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा, और कुछ यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है। तो थीटा फाइंड करने के लिए अगेन आई हैव अ काइनेमैटिक इक्वेशन, दो काइनेमैटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है टाइम, 1 मिनट दिया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, 1 मिनट में हो रहा है ना, 1 मिनट में, दैट इज 60 सेकेंड। ओके, तो कुछ किसी भी इसमें से लगा सकते हो आंसर, आपको आपके ऊपर, इट इज ऑल अप टू यू। आइदर यू गो इट फॉर फर्स्ट सेकेंड काइनामेटिक जिसमें भी थीटा है, या फिर थर्ड काइनामेटिक जिसमें भी थीटा है, तो जिधर से लाना है ला सकते हो। ओके, पर दोनों इसके लिए अल्फा निकलना जरूरी है। जब तक अल्फा नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होना है। सो द माई मेन कंसर्न इज टू फाइंड अल्फा। वंस आई गेट अल्फा, then it is very clear. तो अल्फा तो हमारा फॉर्मूला रेडी है, 2 pi N2 - N1/T। So 2 pi, what is the value of N2? It is 10/3 - 20/3/60, which can be written as a 2 pi. This is -10/3 × 60, नीचे 60 already है, ये कैंसिल कर दो, 2 1s, 2 3s, तो इसका आंसर -π/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे रख देना बच्चा, ये इसका आंसर है -9π/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा आ गया। अपने को थीटा चाहिए, तो आप पहले से निकालो, दूसरे से निकालो, फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकेंड काइनेमेटिक निकालो, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट मतलब क्या आएगा? 2 pi। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल, इनिशियल कितना है? 20/3। तो 2 pi × 20/3 प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? -π/9 × t² व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर? दैट इज नथिंग बट 60 का स्क्वायर। या सो हम थीटा फाइंड कर रहे हैं। मुझे लगता है सेकेंड काइनेमेटिक से जल्दी आंसर आता था, खाली फोकट इतना झंझट कर रहे। सेकेंड काइनेमेटिक लगा के देखिए, ये तो थोड़ा मेरे को लग रहा है बड़ा हो रहा है। तो आइदर वे यू कैन सॉल्व, मतलब अप टू यू, कर भी सकते फटाफट फटाफट, 60 × 60 लिखते। चलो, 3 3s, 3 20s, 3 1s, 3 20s। ओके, तो भाई इधर क्या हो गया? इसका आंसर आ गया 40π/3। चेक कर सकते हो, 40π/3 प्लस इनटू माइनस इज माइनस। ओके, 2 1s, 2 10s। ओके, तो इसका आंसर आएगा -200π। बराबर ना? आई होप आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। -200π, तो इसका आंसर आ जाएगा 600 हो जाएगा ना, एलसीएम निकालेंगे तो -540π/3। बराबर है? -560 आएगा, 560 π/3। ओके, बराबर है क्या बच्चा? कैलकुलेशन, आई होप नथिंग इज रॉन्ग।
तो ये थीटा हो गया, इसको 2 पाई से डिवाइड करो n मिल जाएगा, तो वही अपन ने डिसाइड किया था n is थीटा अपॉन 2 पाई। सर सर आपने वो ओमेगा नॉट t है ना, वहां पे 2 पाई into 25 3 into 60 आना चाहिए ना। ओ सी व्हाट वी मिस्ड, टाइम मिस किया ना मैंने। अच्छा देखा, मेरे को ऐसा लग ही रहा था, थोड़ा शक हो रहा था into 60s। ओके ओके ओके, नाउ 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 या चलो, मतलब कोई तो ध्यान दे रहा है लेक्चर पे। हां गुड गुड, सो वेरी सॉरी फॉर दिस, इसको लिखते हैं वापस, इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या करना है फिर अभी यहाँ पे। तो 3 1 3 कितने हो जाएगा ये 20 जा, बराबर है। तो 20 इंटू 20 दैट इज 20 इज 400, 402 इज 800, बराबर है। 800 पर 800 पाए, और ये कितना आ रहा था बच्चा, 600 पाए ना, है ना। ये 600 पाए, नहीं 600 नहीं 200 पाए आ रहा था, सॉरी। तो इसका आंसर आ गया 600 पाए। ये हो गया थीटा, तो n इज इक्वल टू थीटा बाय 2 पाए, मेहनत करवाया सबने, 600 पाए अपॉन 2 पाए, दोनों पाए कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 300 का, तो 300 रिवोल्यूशन टोटल करेगा, तो ऑप्शन इज सी, 300 रिवोल्यूशन। सो दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। आई नो इट इज क्वाइट लेंथी सम, बट इट इज इंपॉर्टेंट, इट कवर्स एवरीथिंग, एवरी टाइप इज बीइंग कवर्ड बाय दिस। ओके, सो आई होप दिस यू विल कॉपी डाउन, आई विल सेंड पीडीएफ ऑल्सो टू यू। ओके, तो ऐसे सारे सम अपने सॉल्व कर दे, काइनेमेटिक इक्वेशन वाले अच्छे समझते, तो होमवर्क वाले सब अच्छे से करो गारंटेडली। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, आई विल मेक इट लाइट लिटिल बिट थिक। ओके, एक्सेलरेशन इन सर्क्यूलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम स्वीट एंड शॉर्ट में बताता हूं, टेंशन लो मत, ये सब यहां पे जो लिखा है वो आप नोट्स में पढ़ सकते हो। एकदम स्वीट एंड शॉर्ट में अगर बताने को जाएंगे तो सर्क्यूलर मोशन करने के लिए द एक्सेलरेशन विच आई रिक्वायर्ड इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। बच्चा सर्कुलर मोशन करने के लिए जो एक्सेलरेशन मुझे रिक्वायर्ड है दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, याद रखना ये बात। विदाउट दिस सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये सर्कुलर मोशन करने के लिए ये एक्सेलरेशन चाहिए। अभी why it is called radial, because it is acting along the radius towards the center, as this acceleration is acting along the radius towards the center, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, radial acceleration। क्या नाम रखा है इसका, radial acceleration, and it is pointing towards the center, so इसका नाम रखा है centripetal acceleration। बात समझ में आ रहा है, तो इसको radial acceleration या फिर centripetal acceleration कुछ भी बोल सकते हैं, बराबर है। नाउ फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला याद रखो, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर वेक्टर में देखता हूं ना मैं इसको, तो उसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ऐसे फॉर्मूला था। इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट ऑफ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अगर आप लोग को पता रहेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ओके, सो बच्चा एक मिनट, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे रहता है, तो ये जो मैंने रेड में ड्रॉ किया बच्चा, वो रेडियस वेक्टर है और उसका डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए वो माइनस साइन यहाँ पे है। तो ये माइनस साइन का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पर फॉर्मूला याद रखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। तो सर्क्यूलर मोशन करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए, उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा,
दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इफ व्हाट अबाउट वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी पे बात करना है. हाँ, अभी मुझे वेलोसिटी पे बात करना है. तो सपोज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे कैसे रहती है, टेंजेंशियल रहती है. वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल. ओके, तो ये वेलोसिटी है. अभी सोचो ये पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, पहले ये पॉइंट पे था, अभी पार्टिकल ये पॉइंट पे आ गया, तो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होएगा, इस तरफ हो जाएगा. ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. लेट अस से दिस इज v1 वेक्टर एंड दिस इज v2 वेक्टर. तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो जब पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा है तो उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने से भी एक एक्सिलरेशन वहां पे बनेगा जिसका हम नाम रखेंगे टेंजेंशियल एक्सिलरेशन. कंफ्यूज होना नहीं है, ये रेडियल एक्सिलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है. रेडियल एक्सिलरेशन क्या है, सर्कुलर मोशन करने के लिए चाहिए, हमें वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें वो बनाना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट फोर्स इज सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सब हमें करना पड़ेगा तामझाम. पर जैसे ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने से एक एक्सेलरेशन वहां पे बनेगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसको हम AT बोल देंगे और फॉर्मूला लिखेंगे R alpha. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया बच्चा, R alpha. ओके, तो बच्चा दो दो फॉर्मूला आपके पास है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ω² r या फिर v² / r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला R alpha. इज इट क्लियर? Yes. हाँ सर. अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. अब मैं थोड़ा ना इसको अलग तरीके से बताता हूँ. हाँ बोलो. एक डाउट है यहाँ पे, जो आर अल्फा है वो टेंजेंट मतलब आर क्रॉस अल्फा है या फिर वो आर इंटू अल्फा मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है. मैं अभी वही प्रूव कर रहा हूँ, चेक करते बच्चे. ओके, आई डू इट हियर, आई क्लियर योर डाउट ओवर हियर. V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ये अपन ने कल किया था. है ना, जिंदा है ना तुम लोग? नहीं मतलब ऐसा, मतलब एकदम सूखा सूखा लेक्चर जा रहा है, ऑनलाइन है तो कैसे बदला लोगे. तो V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर है. लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो व्हेन आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, so dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पे ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है तो भाई प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. विदाउट चेंजिंग दी पोजीशन मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले r को लगाता हूं फिर ओमेगा को लगाता हूं. बात समझ में आ रहा है? आता है ना भाई डेरिवेटिव का uv रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो डेरिवेटिव का uv रूल लगा दिया. What is rate of change of velocity with respect to time? That is acceleration. Omega तो ऐसे ही रहेगा. अब बच्चा मुझे बताओ R क्या है? R, R मतलब सर, R मतलब तो radius है. R का मतलब है radius. Radius का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वो दो पॉइंट कौन से, एक सेंटर होता है और एक सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट होता है. Yes or no? तो बेसिकली R मतलब radius, radius मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. पर जब मैं R वेक्टर बोलता हूं तो ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा, एंड जब मैं बोलता हूं रेडियस वेक्टर तो डिस्टेंस का जो वेक्टर फॉर्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना यार. तो ये R वेक्टर क्या है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, यस और नो? यस. है कि नहीं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर वेक्टर अपॉन टी इज वी वेक्टर. समझा वी वेक्टर क्यों लिखा? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
ये तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखो अल्फा वेक्टर आ गया, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अभी मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया, यस और नो? अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आ रहा है इसमें। तो ए इज इक्वल टू व्हाट इज आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर? सर ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, यस और नो? व्हाट इज वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर? व्हाट इज वी ओमेगा? तो वी ओमेगा देखो आप यहां से लेके आ सकते हो वी ओमेगा, जिसने देख लिया उसने देख लिया, जिसको समझ में आया उसको समझ में आया, समझा कैसे लिख सकते है ना? अपन उसको क्या कर देंगे भाई, इधर इस चीज को आर ओमेगा इंटू ओमेगा लिख देते ना यार, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा, आर ओमेगा को क्या बोलते हैं वी ओमेगा, तो ये भी तो फॉर्मूला है। तो वी ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा है ना? वी ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये वी ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चा यहां पे वी ओमेगा मतलब क्या है? ये सेंट्रीपेटल हो गया। सो देखो सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन है? दो एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन है? दो एक्सेलरेशन है, एक रेडियल है और दूसरा टेंजेंशियल है। रेडियल एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। रेडियल और सेंट्रीपेटल कुछ भी बोलो, दे आर रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने जाएंगे ना बच्चा, एकदम अच्छे से। मुझे लग रहा है आपको टेंशन ही निकल जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कंफ्यूज करते बच्चे लोग को, और क्या बच्चे लोग गान करते हैं, सब बताता हूं मैं। पहले ये देख लो, द मोमेंट आई ड्रॉ दिस एरो व्हाट यू विल से, कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, ओके सही है। तो चलो ये तो तुमने ढूंढ लिया, इट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अभी सर ये तो क्लियर हो गया, ये रेडियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो किसी भी पार्टिकल पे गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं? रेडियल एंड टेंजेंशियल, दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा मैं रेडियल बोलूं सेंट्रीपेटल बोलूं कुछ भी चलेगा, मालूम है ना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो रेडियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ भी बोलो चलेगा। अब ये दो पार्टिकल एक्ट हो रहे हैं, तो ये ए समझा क्या है? यहां पे लगेगा भाई पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि दोनों का टेल जॉइंट है। तो अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बना दूंगा तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नेट एक्सेलरेशन। तो पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो यहां पे ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टू ए आर ए टी, दोनों के बीच में एंगल कितना है? कॉस 90, कॉस 90 जीरो है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट है ना? तो एक्सेलरेशन कितने हो गए? दो हो गए, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, एंड दैट्स इट। दिस इज व्हाट वी वांट, है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ बच्चों, सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन है? दो, एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ओके सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अभी एक थोड़ा कहानी में ट्विस्ट बताता हूं। अगर मैं यूसीएम स्टडी कर रहा हूं, क्या स्टडी कर रहा हूं? यूसीएम। यूसीएम मतलब भाई ओमेगा कांस्टेंट, कल सर ने बताया। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। व्हाट इज अल्फा? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज गोइंग टू बी जीरो। एनी डाउट? कम ऑन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रहता है ना यार। अगर यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो आएगा ना? नहीं समझा?
समझा तो मुझे बता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला सर आर अल्फा है अच्छा अल्फा जीरो है तो भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना हो गया जीरो हो गया ना और ये होता है एक गेम करने का जोन यहाँ पे गड़बड़ होता है क्वेश्चंस में जैसे कि अभी एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया फाइंड एक्सेलरेशन कुछ डेटा दिया हुआ है तो भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर कौन सा एक्सेलरेशन उनको लगता है सर ये वाला एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेंट्रीपेटल फाइंड करना है टेंजेंशियल फाइंड क्या करना है तो याद रखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला जो फॉर्मूला है वो स्ट्रिक्टली नॉन यूसीएम का है समझ में आ रहा है किसका है नॉन यूसीएम का अगर यूसीएम वाला क्वेश्चन पूछा तो बताओ एक्सेलरेशन कौन सा होता है सिर्फ रेडियल और सेंट्रीपेटल बात समझ में आ रहा है क्योंकि टेंजेंशियल जीरो रहता है तो अगर क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं यूसीएम में कितना एक्सेलरेशन है तो एक ही है दैट इज रेडियल हाँ नॉन यूसीएम में दो है एक रेडियल है और एक टेंजेंशियल है बात समझ में आ रहा है तो याद रखना कभी भी ना तुम लोग को कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना अगर ऐसा क्वेश्चन आया फाइंड एक्सेलरेशन इन यूसीएम मतलब आपको क्या फाइंड करना है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है बात समझ में आ रहा है यस सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया फाइंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्ट वर्ड यूज किया तो लोग डायरेक्ट फाइंड करोगे पर एक्सेलरेशन इन यूसीएम आया तो दिमाग में वो चलेगा अरे भाई कौन सा तीन तीन एक्सेलरेशन है कौन सा एक्सेलरेशन यूसीएम बोला तो एक्सेलरेशन कौन सा होता है इट इज गोइंग टू बी रेडियल सेंट्रीपेटल हाँ टेंजेंशियल के लिए वर्ड यूज करेंगे वो सामने से बोलेंगे फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर फाइंड एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी ऐसा भी क्वेश्चन है उसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे अभी किया ना अपन ने यार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब क्या एक्सेलरेशन व्हिच इज अलोंग द वेलोसिटी ओके तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर क्वेश्चन पूछा फाइंड एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम तो ये फॉर्मूला आएगा समझ में आ रहा है ये जो टोटल वाला है ना वो वाला फॉर्मूला आएगा ये वाला फॉर्मूला आने वाला है मुझे लग रहा है अभी कुछ एक्सेलरेशन में डाउट नहीं आना चाहिए व्हाटएवर आई टॉट यू इट इज वेरी नाइसली गिवन योर ईयर यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है भाई एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जिसको समझाना उसको चैप्टर बहुत इजी हो जाता है मक्खन हो जाता है सबसे बेस्ट जगह है जहां से अपन एमसीक्यू डिजाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर ओके तो जब एमसीक्यू करोगे तो मतलब था फील होना चाहिए अरे हाँ ये एक्सेलरेशन है ओके सो आई होप इट इज वेरी क्लियर वी हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंपल वे ओके कुछ डाउट कुछ प्रॉब्लम मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ है ना तो लिखने का जरूरत नहीं है ओके स्टार्टिंग के क्वेश्चन से और आगे पूरा थ्योरी बताया और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स अपन कल स्टार्ट करेंगे और यहां तक आपका 11th स्टैंडर्ड है एक्चुअल में देखा जाएगा तो अभी नेक्स्ट कल से मैं चालू करूंगा सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वहां से स्टार्ट होता है 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ओके सो आज अपन यहाँ पे रुक जाते हैं इतना पूरा अच्छे से फॉर्मल नोट डाउन करो और लर्न करो अच्छे से ठीक है Thank you.